गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमने डिफरेंट वेव्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रोडवे है, वाटर वे है, ये सारी चीज़ जो हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम वाटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वाटर वेव्स, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर वे जो है सबसे पुराना, सबसे अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज राफ्ट्स देन कम टू द बोट। एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में, पीपल जो है वो राफ्ट यूज़ करते थे, किश्ती यूज़ करते थे, फिर इसके बाद ये लोग बोट में चढ़ते थे। सेल बोट यूज टू विन एनर्जी टू मूव। और ये सेल बोट जो है वो विंड एनर्जी को यूज़ करते थे मूव करने के लिए। लेटर कम, फिर इसके बाद आया शिप। शिप जो है वो यूज़ करते थे स्टीम इंजन टू रन करने के लिए, चलने के लिए स्टीम इंजन यूज़ करते थे। एट प्रेजेंट, तो इस टाइम पे शिप जो है वो किस पे चलते हैं? फ्यूल ऑयल पे चलते हैं। रिवर, सी, लेक, केनाल्स एंड बैक वाटर आर डिफरेंट वाटर वे। शिप, स्टीमर, बोट, योचेस एंड केनाल्स आर मीन्स ऑफ द ट्रेवल इन द वाटर वे। तो सी सी रिवर, लेक, केनाल्स एंड बैक वाटर जो है वो डिफरेंट वाटर वेव्स हैं। और जो शिप है, स्टीमर होता है, बोट है, यॉर्चेस एंड केनोस आर अ मीन्स ऑफ द ट्रेवल ट्रेवल इन द वाटर वे है। शिप कैरी नॉट ओनली द पैसेंजर, शिप जो है वो खाली पैसेंजर को ही नहीं ले जाते हैं, बट आल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड कार्गोस फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। और ये गुड्स को भी ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह थ्रू द कार्गो शिप के जरिए। बल्कि गुड्स लाइक आयरन और कोल, टिम्बर, ऑयल एंड आर ट्रांसपोर्टेड थाउजेंड्स ऑफ द मील्स अक्रॉस द ओशन एंड सीज बाय द कार्गो शिप। तो बट आल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स को भी ले जाते हैं या कार्गो करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में एक जगह से दूसरे जगह। शिप के जरिए ये लोग गुड्स को भी बेचते हैं। और इसी तरह बल्कि गुड्स जैसे कि आयरन हो, और हो, कोल हो, टिम्बर्स हो, ये सारी चीज़ जो है वो भी एक मतलब ओशन के जरिए या सी के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं थ्रू दी कार्गो शिप के जरिए एक जगह से दूसरे जगह के ले जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द गुड्स आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाई द वाटर। तो ज़्यादातर गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं किसके जरिए? वाटर वेव्स के जरिए। वाटर वेव्स आर स्लोली बट चीपर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। वाटर वे जो है वो स्लो तो चलते हैं लेकिन सबसे चीपर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट है। एज आवर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल कोस्टल देयर आर नंबर ऑफ द पोर्ट्स विच सर्व एज अ इंटरनल एंड सॉरी इंटरनेशनल एंड नेशनल पोर्ट्स। तो हमारी कंट्री में बहुत मतलब लॉन्ग कोस्टल एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ द पोर्ट्स बना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल पोर्ट्स बने हैं। द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडिया आर कैंडला, मुंबई, कोची, मोरमुगा, प्रदीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया है। रिवर्स बैक वाटर कैनाल सर्व एज अ इनलैंड वाटर वेज। रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर दी बैक वाटर ऑफ द केरला आर द सम ऑफ द इनलैंड वाटर। जो रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर जो है वो क्या है? बैक वाटर ऑफ द केरला है। द बैक वाटर ऑफ द केरला आर द सम इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटर है। समटाइम केनल्स आर डग टू कनेक्ट इट सी एंड प्रोवाइड वाटर वे फॉर शिप। दिस नॉट ओनली मेक टू द ट्रेवल इजियर बट ऑल्सो कट डाउन टू द डिस्टेंस। दिस स्विस कैनल कनेक्टेड इन अ मेरिडियन सी विद अ रेड सी। जो स्विस कैनल जो है वो कनेक्ट करते हैं मेरिडियन सी को किसके साथ? रेड सी के साथ। शिप फ्रॉम इंडिया गोइंग टू द यूरोप कैन गो थ्रू दिस कैनल। तो शिप जो है वो इंडिया और यूरोप में इसी कैनल के जरिए जाते हैं, इन्हीं शिप्स कैनल के जरिए जाते हैं। अर्लियर दे हैड टू गो अराउंड अफ्रीका। तो अर्लियर ये लोग
पहले जो है वो अफ्रीका में भी जाते थे इसी सीव्स केनल के जरिए। सिमिलरली पनामा केनल कनेक्ट पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। इसी तरह जो पनामा केनल जो है वो कनेक्ट किया गया है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। शिप्स गोइंग फ्रॉम यूरोप टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, शिप जो है वो जो पनामा केनल के जरिए यूरोप से वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, और साउथ अमेरिका से गो थ्रू इट्स दिस केनल, और साउथ अमेरिका में अमेरिका भी जाते हैं इसी पनामा केनल के जरिए। दे नो लॉन्गर हैव टू गो अराउंड द साउथ अमेरिका। तो ये सिव्स केनल जो है वो पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशन से, और शिप के जरिए ये लोग यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जाते हैं और साउथ अमेरिका भी जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।